Hello. Sir, just in case we caught fire, we don't know about what to do. Please help us. Do you have a passport? Yes, we have a passport. How many of you are there? We are 12 people, sir. Then rush to the airport immediately. What about the immigration? I'll take care about that. Don't worry. We should have safe exit forum India. You don't go in the group. Go separate. Sure, sir. Hello, immigration officer. हाँ बोलिए. I have few foreigners who are traveling outer India. Please take care of them. Let them have safe journey and safe immigration. Do not disturb them, please. शत्रु देश की सीमा के उस पार खड़ा है, ये सोचकर बंदूक लेकर खड़े हैं. नहीं, हमारे अंदर, हमारे आसपास, हमारे साथ ही हैं. दो माले की बनाने वाली जगह में 11 माला बनाने की सोचने वाला दुश्मन है. रिश्वत लेकर उस काम की इजाजत देने वाला शत्रु है. जब वो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए और लाखों लोगों की जान जाने के बाद भी एक्शन लेने के बजाय टालने वाला शत्रु है. उसके खिलाफ आवाज उठाने के बजाय जो खामोश तमाशा देखता है ना, वो शत्रु है. हादसे को नजरअंदाज करके जो दूसरे काम कर रहे हैं ना, वो सभी लोग शत्रु हैं. ऐसे एक या दो नहीं, ऐसे अनगिनत शत्रु हैं हमारे आसपास. मालिक, ये आपकी पीठ पर इतना बड़ा निशान कैसा है? एक भयंकर आग में न जाने कितने मासूम झुलस गए थे. माँ के चीखने की आवाज, मासूम बच्चों की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंजती है. ये सिर्फ मेरी पीठ पर ही नहीं, दिल में भी एक जख्म है जो अभी भी हरा है, जो जिंदगी में कभी भर नहीं सकता. माँ, स्कूल जाना है, एग्जाम है. आज आपका एग्जाम है क्या? हाँ अंकल. कौन सा एग्जाम है? साइंस. आपको साइंस बहुत पसंद है क्या? नहीं अंकल. कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? सोशल ज्योग्राफी बहुत पसंद है. ज्यादातर बच्चे साइंस और मैथ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन तुम कह रही हो तुम सोशल पढ़ना चाहती हो. सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. सोशल की पढ़ाई करके तुम एक अच्छा राजनेता बन सकती हो. मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे. अच्छे से पढ़ोगी ना? मालिक, कॉफी खाने में क्या बनाऊं? क्या शैलवी, ये क्या कह रही हो? बच्ची का एग्जाम है, उसे लेकर जाओ. मालिक, वो खाना बनाना. मैं कह रहा हूँ ना शैलवी, इसे लेकर जाओ. ठीक है मालिक. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. चलो बेटी. हे, जल्दी कर, उठ जा वरना कचरा वाला उठा ले जाएगा हमें. वो कचरा वाला उठा ले जाएगा. क्या बोला रे तूने? मैंने तुम्हें भाई बोला. भाई तो मैं देख रहा था. चलो चल के अपना काम करते हैं. चलो. वसूली के लिए जा. आ जाओ आ जाओ आ जाओ.
भाई भाई बहुत जोर से आ रही है, जल्दी बाहर आओ। अरे रुक जा, आ रहा हूँ ना। अरे जल्दी आओ। अरे रुक तो जा। अरे भाई बाहर जल्दी आओ। अरे करने तो दे मुझे। अरे जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ भाई। आ गया बाहर जा। ये लोग संडास भी चैन से नहीं करने देते। अभी हूँ ना। आई टेक विथ वाटर प्लीज। कंपटीशन कर रहा है क्या है? मालिक भीख दीजिए, मालिक मालिक मालिक। ये लो, भगवान आपका भला करेगा मालिक। तुम्हारे लिए एक चमचमाती हुई लाइफ इंतजार कर रही है, बदलने के लिए आप तैयार हो जाओ। मालिक 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 मालिक, आप नौकरी देंगे तो करने के लिए तैयार हूँ मालिक। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। पैसे दे दो भैया साहब, भगवान तुम्हारा भला करे, कुछ पैसे दे दो। हमने कई दिनों से नाम पर पैसे दे दो। कहाँ है रे तेरा, कहाँ है रे, क्या है रे ये हैं? इतना ही मिला? इतना ही हमारी होशियारी मुझे पता है। चल बाहर निकाल। मालिक मत बाहर, ये निकाल, निकालना बाहर। और एक बात और, कल स्टेशन पार्क में आ जाना। ए उधर ही रुकना, ठीक है? मालिक मालिक भैया, मालिक दे दो, मालिक कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो मालिक। धन्यवाद। चल रहे स्टीफन पार्क चलना है। हाँ भाई, हम कहाँ जा रहे हैं भाई? अरे अभी तो बताया था स्टीफन पार्क जा रहे हैं। ठीक है भाई। मालिक कुछ दे दो, मालिक मालिक। अरे तुम लोग पार्क में क्यों आते हो? सब के सब कंजूस हो गए हैं। क्या रे तंबा, आज तो बड़ा अच्छा कलेक्शन हुआ है तेरा। व्हाइट हाउस खरीदने की सोच रहा हूँ। क्या देखो यार, लोग चाहें तो बहुत कुछ खरीद सकते हैं, मैं व्हाइट हाउस नहीं खरीद सकता क्या? हाँ भाई, हाँ जो तू कह रहा है वो सही है। इसका चमचा इसके सत्र के बराबर बजा रहा है। करेक्ट भाई। तंबा, आजकल जैसे पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है ना, वैसे तेरा पेट भी बढ़ता जा रहा है। जा यार, तीन घर का खाना एकदम जम कर पेट भर कर खाया। आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ जीते रहो, जीते रहो। मालिक मालिक मालिक, इधर भी। ए तमाम, हमारे लिए इसके लिए ऐसा चेहरा होना चाहिए, समझा? समझाओ इसको। जरूर किसी जोशी ने कहा होगा,
कि डांबर जैसे काले इंसान को दान करने से तुम्हारा शनि चला जाएगा, इसलिए उसने दिया होगा। ये परमुत्तु, इसकी चमचागिरी करने से क्या मिलने वाला है रे तुझे? किसी को क्या पता रे, अभी जो देश की हालत चल रही है ना, कर लगता है कि कल ये भी सीएम बन सकता है। सीएम? मैं? ए, फोटोग्राफर कहाँ है रे? ये देखो भाई, आ गया। गुड मॉर्निंग। कैमरा कहाँ है इसके पास? कैमरा कहाँ रखा है इसने? क्या रे, ये मोबाइल पे शूट करेगा क्या? सर ये आईफोन 7 है, मेकर्स इससे फिल्में शूट करते हैं। रोबोट 2 भी इसी से शूट हुई है। अरे बाप रे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है भाई। सर अपना हाथ ऐसे कीजिए। सर इसको अपने कान पे लगाइए। ओके सर, थोड़ा उधर देखिए। रेडी सर? ओके सर, बहुत बढ़िया सर, स्माइल करिए। सर एक और पोज दीजिए। हाँ परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, थोड़ा नीचे और नीचे। हाँ परफेक्ट सर, दूसरा पोज। ओके सर, माइंड ब्लोइंग। ओके सर, परफेक्ट। हाँ सर एक और पोज। हाँ हाँ सर, ऐसे ही, बहुत बढ़िया, हो गया सर। ए, बाघ वगैरह मत रखना, शेर रखना। ठीक है सर। और थोड़ा दूर ही रखना। जी सर, समझ गया मैं। फोटो तो देगा भाई, दे दूंगा। तो ये ले यार, है ले ला। तू ही एक है जो ईमानदारी से पैसा देता है, तू मुझे बहुत पसंद है। वो क्या है कि क्या मैंने पैसे मांगे थे, वो बीवी बच्चों से मिले बहुत साल हो गए ना, अगर तुम पैसे दे दोगे तो उन लोगों से मिलकर आ जाऊंगा। देता हूँ, याद है, जब आएगा तो दे दूंगा। अभी चलता हूँ, कल स्टीफन पार्क में आ जाना, भूलना मत। साइलेन, लक्ष्मी। हाँ सर। यहाँ आओ सर। नमस्ते। आओ सर। नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं सर। हमारे ऑफिस में सब लोग कैसे काम कर रहे हैं? सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सब कुछ सही से चल रहा है सर। इस सप्ताह का टारगेट क्या रखा है शैलेंद्र? 1-10 कन्वर्सेशन करने के लिए प्लान है सर। सर सर, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से टेंडर लेटर आया है, अगले हफ्ते टेंडर ओपन कर रहे हैं, आप यहाँ रहेंगे ना सर? हाँ यही रहूंगा सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट टेंडर है सर, आपका यहाँ रहना जरूरी है सर। ये बहुत बड़ा टेंडर है, देखते हैं, अगर ये मुझे मिल गया तो पक्का आप लोग को बोनस मिलेगा। सर माय हार्ट इज सेइंग वो टेंडर पक्का हम ही को मिलेगा सर। तुम्हारा नाम लक्ष्मी है ना? हाँ सर। तुम्हारी बात को मैं लक्ष्मी की बात मान लेता हूँ। शैलेंद्र, इस बार 10 कन्वर्सेशन होना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओके, अब तुम लोग जाओ। थैंक यू। और सतीश को गाड़ी निकालने के लिए बोल देना। ठीक है सर, बोल दूंगा। मंदिर नहीं आ रहे हैं। हाँ ओके, उनका प्रोग्राम चेंज हो गया है, वो स्टीफन पार्क में आ रहे हैं। हाँ ओके। या वो 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 ओ ओ प्रिया, क्या आज तुम फ्री हो? अरे नहीं, ए चल चल जाते हैं, देखते हैं ना, लेट्स सी न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड टुडे। मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ। तुम अभी आ रहे हो कि नहीं? चेन्नई में इतनी गर्मी है, मेरी पर्सनालिटी कैसी होगी पता है? इतना ही नहीं, अगले हफ्ते प्रिया के साथ डेटिंग है, समझ गई? ओ, तू चाहे कैसे भी मर, क्लाइंट आएगा तो ठीक से मैनेज कर लेना।
क्लाइंट को छोड़ो मैडम, तुम कंटेंट देखना, समझ गई? कमाल कर दूंगा, जाओ आराम से, आराम से। क्या करेगा पता नहीं। प्रिया, आज तुम फ्री हो क्या? मालिक साहब, मालिक साहब, भगवान आपका भला करे मालिक। क्या भाई, सतीश साहब, साहब, मालिक, मालिक साहब, मालिक, मालिक साहब, आप लोगों ने खाना खाया? खाना खाया? नहीं साहब, नहीं मालिक, नहीं। सतीश, नाम रामादुराई है। राम राज है तो बनियान चड्डी मांगनी चाहिए थी। आप लोगों को अगर नौकरी दूंगा तो करोगे क्या? मालिक, हम लोगों को नौकरी क्या काम करना होगा? क्या सर, हम लोगों को लेकर कोई कॉमेडी फिल्म बनाने वाले हैं क्या? सर, हम लोग भिखारी हैं सर, हम लोग किसी काम के लिए सेट नहीं होंगे, आप कहीं और देख लीजिए। तुम्हें लोग भिखारी कहकर बुलाते हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता है क्या? जहां हमारी बेइज्जती होती है वहां से जीतने के लिए हमें एक रास्ता मिलता है, सोचकर फैसला बताना। सतीश चलो। हेलो सर, सर रुक जाइए, सर, सर रुकिए, सर रुकिए ना। ए तेंसा, क्या हुआ, रो क्यों रहा? ए सच बता, तू अभी रो रहा था ना, बता ना क्यों रो रहा है? मैंने अपने भाई को खो दिया, एक्सीडेंट में मेरी माँ और बाप मर गए, मैं और मेरा भाई पेट की आग बुझाने के लिए दर दर ठोकरे खाए, एक रेलवे स्टेशन पे मैंने अपने भाई को खो दिया। अभी वो कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन वो हमारी तरह जिंदगी नहीं जी रहा होगा, ये मुझे पता है। ए, मेरा भाई। वो मत रे, तेरी हालत देखकर मुझे मेरी बीवी बच्चों की याद आ गई है, मेरी कभी ऐसी हालत हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था रे। नागपट्टनम में मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी रहा था, सुनामी आया और मेरा घर बार सब बह गया रे। विदेश जाकर नौकरी करने के इरादे से मैंने अपनी बीवी के सारे गहने गिरवी रखकर 1,00,000 रुपए एक एजेंट को दिए थे, और उसने 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 मुझे
विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मेरे साथ धोखा किया रे। क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। बेइज्जती के डर से मैं कभी गांव दोबारा नहीं जा पाया। नौकरी के लिए कई लोगों के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन लोगों ने कहा कि रेफरेंस है क्या, कोई एक्सपीरियंस है क्या, और इस वजह से मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली रे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं पागलों की तरह रोड पर भटक रहा था, भूख से जान निकल रही थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तो मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ गया रे। नियत का पता नहीं क्या मंजूर है। बीवी बच्चों को देखे 13 साल हो गए। भैया नहीं, वो कैसे होंगे। रो मत भैया, हमारी जिंदगी क्या हमेशा ऐसी ही रहेगी, हमारी हालत क्या कभी बदलेगी नहीं। ए, सुना जो आए थे ना, वो भगवान की तरह आकर जिन्होंने सबको खाना खिलाया था, देखना वो पक्का फिर से आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे ऐसा बोल कर गए थे ना, और हम सबको नौकरी देंगे ये भी कह रहे थे। वो जरूर हमारी जिंदगी में बदलाव लाएंगे, वो बदलेंगे, वो हमारी जिंदगी बदलेंगे, जरूर आएंगे। हाँ, आएंगे ना भाई, जरूर आएंगे। भाई बहुत बड़ा टेंडर है भाई, लगभग 2000 करोड़ का होगा भाई, अगर ये हमारे हाथ लग गया तो। फोन लगा। हाँ हेलो, चीफ इंजीनियर। हाँ रुकिए रुकिए, साहब बात करेंगे। इंजीनियर साहब, कितना बजट है? वो सब मुझे पता है, बजट कितना ये बताइए। ठीक है, इस ईयर में एक छोटा सा बंगला, ठीक है ना? हाँ ठीक है, लड़के को देता हूँ, बात कर लीजिए। अच्छा इंसान है यार। मालिक, धन्यवाद साहब। हाँ ये लो, भगवान आपका भला करे मालिक। क्या कर रहे हो? अच्छा चल ठीक है, सब लोग देखते हुए जा रहे हैं, धर्म के नाम पे कोई नहीं देता। अरे उधर जा रहा है वो, देखो आ रहा है। क्या बोल रहा है? क्या कर रहा है? तेरी इतनी इज्जत है? ओह भाई, आज तक मैंने कुछ मांगा क्या? ए तू मांगता नहीं, सीधा चोरी कर लेता। मैंने चोरी की? तुम लोग चोरी करते हो तो बोलता हूँ। मैडम मैडम कुछ दे दीजिए, मैडम मैडम कुछ दे दीजिए, मैडम 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 मैडम। Can I take a selfie? Yeah, yeah, yeah. Only $200. Oh no, 100 rupees. इंडिया में आते ही तुम लोग रुपीज रुपीज बोलना शुरू कर देते हो। First cash, next selfie. Madam, 50 for me. Come selfie. No, no, this guy. Selfie with this guy. Yeah, take this. Ah. Come on. कितना लेगी? थैंक यू। कैन आई हग यू? $200। सो मच, बाय 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 बाय। मैडम 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 प्लीज एलिजाबेथ। ए तंबा, अगर दिन में ऐसे 10 फॉरेनर्स आ गए ना, तो तेरा तो कल्याण हो जाएगा रे। मैं भी कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन जैसा तू बोला वैसे तो व्हाइट हाउस को खरीद भी सकता है रे तू। इस दुनिया में ऐसा कलर, ऐसा पीस सिर्फ हमारा तांबा ही है। हाँ, मैं हूँ काला। ए, वो पिंक करना शुरू कर दिया, चल भाग चलते हैं। चल चल भाग, अरे चल निकल। सक्सेस, इट्स ट्रेंडिंग। क्यों निकिता, बहुत खुश लग रही हो?
ये देखो। ये क्या है? 5K कमेंट्स, 30,000 फॉलोअर्स, 50,000 लाइक्स। शर्ट, हम लोग भी नई शर्ट, नई पैंट, नया शूज, नया ग्लास, पार्क में, थिएटर में, बीच पर, लॉज में, सब जगह जाते हैं। अलग अलग जगह जाकर अलग अलग पोज में फोटो खींचकर, सेल्फी खींचकर डीपी में डालते हैं। कुछ नहीं होता, कोई लाइक नहीं करता। क्या फायदा? सिर्फ 25 लाइक्स, 8 कमेंट्स। इससे ज्यादा तो लाइक्स और कमेंट्स मिलता नहीं है। ये होती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के बारे में बात मत करना, क्योंकि तुम लोग चेहरा धोते हो कि नहीं पता नहीं, अच्छी तरह से नींद मारकर, मुंह में ब्रश रखकर एक वाव करके फोटो खींचती हो और स्टेटस में डाल देती हो, वाव, ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल स्माइल। 10,000 लाइक्स, 50,000 लाइक्स, 70,000 लाइक्स, 1,00,000 लाइक्स। अगर तुम लोग लाइव आ जाओ ना, तो फिर क्या कहना, तितली उड़ने की तरह लाइक्स, उसके ऊपर कमेंट्स आते ही रहते हैं। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? नहीं तो मैंने भी 10 दिन के बाद अपना FB ओपन करके आज चेक किया, सिर्फ 10 लाइक्स, 5 कमेंट्स भी नहीं मिले मुझे। कितने दुख की बात है। निकिता, तुमने राम दुरई की न्यूज डाली थी ना, उसी तरह मेरे बारे में भी। बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत नेक इंसान है, बहुत समझदार इंसान है, बहुत सामाजिक इंसान है, व्यवहारिक है, दयालु है, एक नंबर का शरीफ है। ऐसा कुछ लिखकर पोस्ट कर दो ना प्लीज, मुझे भी लाइक मिलेगी। अगर ऐसा पोस्ट करूंगी तो एक भी लाइक नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, गांव में जन्म हुआ है, सरकारी स्कूल में बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की है, ये एक टीचर है, बहुत अच्छा इंसान है। ऐसे अच्छे इंसान के लिए लाइक नहीं बनता है क्या, और लोग उस पर कमेंट नहीं करेंगे क्या? अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ब्लैक को ब्लॉक? क्या इंटेलिजेंस सर, सब ठीक है ना? सब बढ़िया चल रहा है? तो स्टेट में सब अच्छा ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे ऐसे ही मिलने आया था मैं। और कोई बात तो नहीं है? सच में कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर मिलता हूँ। चलता हूँ। हाँ बताइए सर। बस एक साइन के लिए इतना दिन? अरे पूरा देश विदेश घूमते रहते हैं, गांव गांव घूमते रहते हैं, ट्रेवल करते ही रहते हैं, अभी तक इनका काम नहीं हुआ। आप कल आ जाइए, मैं करवा देता हूँ। सर इस प्रोजेक्ट के लिए 50% ऑलरेडी एडवांस दे चुका हूँ, अगर आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो एडवांस वापस कर दीजिए सर। ज्यादा फोर्स मत कीजिए, कल आ जाना, काम हो जाएगा। ओके सर, लेकिन कल पक्का करवा दीजिएगा सर। चलता हूँ। भैया वो क्या है ना कि 10 बार की नीलामी होने वाली है। क्या रे, तुझे पढ़ने के लिए बोला है तो तुझे बिजनेस करना है? भैया घर पे बीवी बच्चों का टेंशन झेला नहीं जा रहा है, ऊपर से देश में शराबियों की संख्या बढ़ती जा रही है, शराब के चक्कर में लोग अपना घर बार गिरवी रख देते हैं, तो उस बार को खरीदने के लिए हम अपना सारा पैसा डाल देंगे। भाई सिटी में 8 बिल्डिंग का नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। क्या रे, टास्क मार्क, बार, बिल्डिंग, यही कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे क्या ये लोग? ये लाइव बैंड, कैबरे, ये सब नहीं देंगे क्या? भाई ये लाइव बैंड, कैबरे, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दीजिए भाई। इस टकले की ख्वाहिश देख तेरी तो, अगर तुम लोग मेरे साथ विश्वास के साथ रहोगे तो तुम लोगों के लिए सब कर दूंगा। ठीक है भाई। अगर कल मैं मिनिस्टर बन गया ना तो तू मेरा MLA होगा। धन्यवाद भाई। तू भी एक MLA होगा, तू एजुकेशन मिनिस्टर बन जाना। बन जाऊंगा भैया। ठीक है, गाड़ी निकालने के लिए बोल। साहबिक सब मालिक, 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 ए तंबा, वो जो सर आए थे ना, जो नौकरी देने की बात कर रहे थे, 2 दिन तो हो गए यार, वो अब तक आए नहीं। अरे अमीर लोग टाइम पास करते हैं भाई, हम लोगों का मजाक उड़ा कर चले जाते हैं। अच्छा हम लोगों के साथ सेल्फी वेल्फी ली कि नहीं? मालिक नहीं ली थी ना? हाँ मालिक, शुक्रिया मालिक। ये लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक पर डालते रहते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, आप ही कह रहे थे कि वो आएगा, नौकरी देगा। मालिक भगवान आपका भला करे। लगता है हमारे जरिए अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। हाँ ये सब बेवजह का काम है, इस दुनिया में हमारी तरह एक्टिंग कोई कर सकता है क्या? हाँ एक्टिंग करके आगे आना हमारे लिए फर्स्ट प्राइज है। यहाँ जितने भी बड़े एक्टर हैं वो हमारी एक्टिंग देखकर ही तो सीखते हैं।
देखो सतीश। बोलिए सर। हमारे पास बहुत सा काम है। ये लीजिए सर, स्टीफन पार्क में। हाँ बोलिए। वो भिखारी लोग हमारा वेट कर रहे हैं। कल हमने जहाँ खाना खिलाया था। हाँ, तुम वहाँ जाओ और उन्हें लेकर आओ। कल अगर हम वहाँ जाएंगे तो मीटिंग का क्या? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम उन लोगों को लेकर आओ। समझ गया ना? ओके। मालिक, मालिक कुछ दे जाओ। मालिक, क्या हुआ? मालिक, क्या सर, आपके मालिक नहीं आए? देख के डर गए क्या? आप सबको राम दुरई सर ने लेकर आने के लिए कहा है। चलो गाड़ी में बैठ जाओ। कार में? हाँ बिल्कुल। अगर हम लोग कार में बैठेंगे तो कार बदबू मारेगी ना। हाँ। ऐसा है क्या? एक मिनट। हाँ, सर। बहुत बढ़िया। अभी ठीक है ना? मैं आप लोगों को हर महीने 10,000 तनख्वाह दूंगा। तुम सबको रहने के लिए एक घर दूंगा। तुम्हारे बच्चों को पढ़वाऊंगा, इंश्योरेंस करवा दूंगा। अब बताओ तुम लोग मेरे साथ काम करोगे? मेहनत करने का मौका मैं देता हूँ, आगे बढ़ना तुम्हारा काम है। ये कोई मजाक है क्या? बिल में हाथ डालकर हमें डसना चाहते हो? बहुत बड़े गैंग के साथ पंगा ले रहे हैं आप। आप अपने धंधे पर ध्यान दीजिए, हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे गैंग से टकराए तो महंगा पड़ेगा। बिल में सांप है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर है तो भी मैं उसे निकाल कर बाहर फेंक सकता हूँ, समझे क्या? तुम अभी नए हो, तुम्हारे जैसे गैंग को ही मौका देकर मैं आज इस लेवल तक पहुंचा हूं। ए, इस आदमी पे विश्वास मत करो। तुम लोग मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? तुम लोग नहीं आओगे? इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मेरा हथियार तुम्हारे प्रति मेरा विश्वास है। इसके जरिए हम इस दुनिया को जीत सकते हैं। सर, आपके साथ हमने मेहनत करने का फैसला कर लिया है सर। मेहनत करने से ही जिंदगी में बहुत कामयाबी मिलती है। आप सब मेहनत करने के लिए तैयार हो? इस देश को आगे बढ़ाना तुम्हारा कर्तव्य है। बहुत तरह के फूल होते हैं लेकिन वो सभी इसी धरती पर उगते हैं। तुम सब खुश तो हो ना? शुक्रिया मालिक। Thank you.
Hi. Good morning. Namaste. This is Nikita here. So, I have great news for all of my viewers. You see, ये जो जगह है मेरे just पीछे, which is highly populated with beggars. Right now, ये जगह पूरी तरह से खाली है और यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा है. और इसके पीछे का रीजन है, he is the great man Ramadurai sir. आइए देखते हैं. लोग भिखारियों को नौकरी दे रहे हैं, अगर उनके पास नॉलेज है ये तो बहुत अच्छी बात है. इस इंडिया में एक यही प्रॉब्लम है कि अपने आप को और अपने परिवार को अगर अच्छे से ख्याल रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी. अभी चेन्नई एकदम क्लीन है, अगर यहाँ कोई भिखारी ना हो तो चेन्नई नेक्स्ट तक पहुँच जाएगी. हमें अपने आस पास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. आई रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स टू प्लीज शेयर दिस और मेरे इस वीडियो को हर जगह स्प्रेड कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए. And let's make India beggars free. Thank you. पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ एक सौ दस एक सौ बीस दो चार छः आठ दस. क्या बात है, आज बहुत सारे कलेक्शन किए. थोड़े से चिल्लर पैसों के लिए हाथ फैलाने वाला हाथ आज कड़क नोट गिन रहा है. सच में भाई, आज अगर हम इस हालत में पहुंचे हैं इसका एकमात्र वजह हमारे रामदुराई साहब हैं. अगर वो नहीं होते तो आज हम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते थे, आज भी हम भीख ही मांग रहे होते. ठीक है, लगता है बहुत कमा लिया तूने आज. चल अब चाय पिला मुझे. चलो भाई चलते हैं. थैंक यू सर. मीटिंग का टाइम 11 बजे. श्योर, अभी थोड़ा टाइम है. नमस्ते सीएम सर. ठीक है सर. क्या सर, कैसे हैं? पूरे देश विदेश की यात्रा करके आ गए. सर, सीएम हो तो आपके जैसा हो, एकदम जॉली बेफिक्र होकर संयम के साथ स्मूथली हैंडल कर रहे हैं सर आप. कमाल है, एकदम कमाल है. बातों बातों में काम की बात तो भूल ही गया. ये लीजिए साइन कीजिए. आप बहुत गलत कर रहे हैं. आप जिस कंपनी को रिकमेंड कर रहे हैं वो सही नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है. इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं दे सकता. मुझे पता है, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है. शेर के मुंह में हिरन के जैसे फंसा हूं मैं. तेरे हाथों में फंस कर तड़प रहा हूं मैं. आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो मेरे बाप की दी हुई है. अगर मैं चाहता ना तो इस कुर्सी पे तुम नहीं बैठते, मैं बैठता. इन सब बातों का टाइम नहीं है मेरे पास. रिसोर्ट पार्टी क्या है पता है ना आपको? पता है ना आपको? सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं सर. ठीक है, अब आज्ञा दीजिए. पता नहीं ये कहां कहां डालते रहता है, मुझे तो एक भी वेबसाइट नहीं पता चल रहा. आप सुनिए भाई साहब, आप उधर कहां जा रहे हैं? वहां से यू टर्न करके मेरे पास आइए. ये तो सुहाग रात की लड़की की तरह धीरे धीरे आ रहे हैं. बैठ जाइए. कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर. बाल बच्चे नाती पोते सब अच्छे हैं ना? सर दरअसल मेरा सिर्फ एक बेटा है. मैंने अपना सब कुछ बेचकर उसे पढ़ाया लिखाया सर. अमेरिका में उसको नौकरी मिली तो वहाँ एक लड़की के साथ शादी करके सेटल हो गया. आजकल के बच्चे यही करते हैं, माँ बाप मर भी जाए तो देखने नहीं आते. वैसे आप घर में क्या करते हैं? अब इस उम्र में आकर मैं क्या करूँगा, बीवी की तबीयत खराब है. इतना ही नहीं, मेरे पास कोई काम भी नहीं है. क्या यहाँ कोई काम मिलेगा, यही पूछने आया था सर. सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके अमेरिका में काम करने वाले सारे लड़कों को इंडिया बुला लेना चाहिए. मैं फोन करता हूँ. रुकिए सर, इन सब की जरूरत नहीं है, कोई काम है तो दे दीजिए ना प्लीज. नौकरी चाहिए? आपकी उम्र को देखते हुए मैं आपको क्या काम दूँ यही सोच रहा हूँ. सर देखिए, बचपन से ही मुझे मॉडल बनने का बड़ा शौक है. आई एम ओनली 70.
क्या आप मुझे मॉडल बना सकते हैं? मॉडल? हाँ सर। आप? हाँ बना देते हैं। बहुत स्ट्रांग हो ना? हाँ सर। हाँ? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हाथ ऊपर करके दिखाइए ना। स्ट्रांग सर। आप उसके लिए एकदम फिट हैं। एक फोटो डालूंगा, अपना काम हो जाएगा। सर आप भी क्या बात कर रहे हैं। क्या शर्मा रहे हैं, स्टूडियो चले क्या? रेडी सर, चलते हैं ना। लगता है घर पर एक डाल कर आ गए हैं आप सर। बहुत शर्मा रहे हैं ना, कमाल है। सच में आप मॉडल हैं। चलिए। Finally, I'm able to meet you, sir. Thank you. Sir, can we just take a quick selfie, sir? लीजिए। इंटरव्यू शुरू करें सर। ओके मैडम। सर, थोड़ा मूव हो जाएंगे? हाँ। ओके, ओके सर। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है, आपका एम क्या है सर? हमारे देश में कोई भीख ना मांगे, बिना भिखारी का इंडिया। हाँ। वाओ, आपका सपना बहुत अच्छा है सर। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, ये हमारे देश का सपना है। सर, आपको इन सब के लिए मुश्किलें नहीं आती? मुश्किलें किसके आगे नहीं है बताओ, लेकिन उसको पार करके कैसे आगे बढ़ना है ये जरूरी है। ओपन कीजिए सर, टाइम हो गया। एक मिनट। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ये छोटा सा इंटरव्यू देने के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलूंगी इंटरव्यू के लिए सर। डेफिनेटली, बिल्कुल मिलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, देखो आज क्या होता है। नमस्ते, कैसे हैं सर? अच्छा हूँ सर। ये लोग कब शुरू करेंगे यार? मैं तो चाहता हूँ ये ठंडी देर हो रही है। हाँ, वही तो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आपने सारी फाइलें चेक कर ली? नहीं तो। हाँ बोलो सर। ये डॉक्यूमेंट? हाँ ठीक है, रख दो। रामदुराई, आजकल आप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हो। आप भिखारी रहित इंडिया बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। और अपनी कंपनी में आप उन्हें काम भी दे रहे हैं। सुपर सर। मेरी बेटी कह रही थी कि आपका नाम बहुत बड़े लेवल पर प्रसिद्ध है। हेलो, अब बस करो, कवर को ओपन करिए सर। हाँ, ओके ओके। इस काम के लिए अच्छा, जरा वो पीट ओपन कीजिए। हाँ ठीक है। सही है? हाँ सर, सब सही है। आप सबको मेरा नमस्कार। आपने जो टेंडर के लिए डॉक्यूमेंट भेजा वो मेरे पास है, हमने उसे सब लिस्ट किया है। As for the transfer run process, we hereby digit at that the higher word we got it from Tamil Nadu Kalangarai Vilakkam Company. Mr. Ramdurai, इस बार आपको टेंडर मिला है। All the best. बहुत बहुत धन्यवाद सर। Hey, हम लोग ऐसे ही मुंह उठाकर चले जाएं क्या? ये टेंडर हमें दे दीजिए, काम करके देंगे ना आपको। सॉरी, गवर्नमेंट का जो रूल है हमने उसे फॉलो किया है। बिहेव योर सेल्फ। हाँ, ज्यादा मत समझाओ। मिस्टर रामदुराई, ऑल द वेरी बेस्ट। लेकर साथ में आइए। इमीडिएटली मैं ऑर्डर रिलीज कर देता हूँ। मैं लेकर आता हूँ, उसे रेडी कीजिए। चलो चलते हैं। भाई, मैंने पार्टी से बात कर ली है। रात को अगर आप आकर देख लेंगे, बाकी की सारी बातें मैं कर लूंगा। भाई 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 आए। भाई क्या रे? मेट्रो पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया भाई। वो पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट रामदुराई को मिल गया भाई। वो कलेक्टर भी उसी का सपोर्ट कर रहा था भाई। वो भिखारियों से काम करवाता है भाई। ए, वो भी जल्दी भिखारी बनेगा, फोन लगा उसे। ठीक है। अकाउंट सॉफ्टवेयर में कुछ तो गड़बड़ है, वो क्या है आपको देखना आता? हाँ है सर, क्या आता है। रिंग जा रही है भाई, ये लीजिए भाई। अब जाइए। ठीक है भाई। हेलो रामदुराई, एमएलए प्रभाकर बोल रहा हूँ। साहब नमस्ते, टिम्बर फैक्ट्री में हूँ, तुरंत यहाँ पे आ जाओ। क्या बात है साहब? मैं तुझे यहाँ पे बुला रहा हूँ ना, सब कुछ फोन पे बताऊँ क्या? माफ कीजिएगा साहब, मैं अभी आता हूँ। चल जल्दी आ। हेलो। हेलो, आई एम डेविड, वी आर फ्रॉम अर्थ अवेयरनेस फाउंडेशन एनजीओ, और इस समय हम लोग रामदुराई से मिलने के लिए आपके ऑफिस में आ रहे हैं। दिस इज अ सरप्राइज विजिट, प्लीज एक्सक्यूज अस। सर इट्स ओके, यू मोस्ट वेलकम, वी वेट फॉर इन द ऑफिस, प्लीज कम। हाँ, थैंक यू। वो क्या है, आपने देखा क्या सर? अर्थ अवेयरनेस फाउंडेशन से
कुछ लोग आपसे मिलने आ रहे हैं सर, आपको मिलना पड़ेगा सर। सतीश, वो एमएलए बार बार फोन करके बुला रहा है, चलकर देखते हैं क्या बात है। सर, एनजीओ के लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, ऐसे में अगर आप उस एमएलए से मिलने जाएंगे तो कैसा होगा सर? जाने दीजिए सर, वो एमएलए है ना, उनसे बाद में मिलेंगे। दुश्मन को बनाने से बेहतर है अपना फ्यूचर बनाना, वही सबसे बढ़िया है सर। तुम्हें जो करना है करो सतीश। प्लीज कम सर, प्लीज मीट रामदुराई। हाय रामदुराई। हेलो, प्लीज सिट डाउन। हाय, आई एम डेविड, फंड मैनेजर फ्रॉम अर्थ अवेयरनेस फाउंडेशन। थैंक यू सो मच, प्लीज सिट डाउन। सर, नाइस टू सी यू सर। थैंक यू। आई एम बू फ्रॉम वॉशिंगटन यूएसए। आई एम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अथर्वा फाउंडेशन। कॉफी चाय कुछ लेंगे क्या? नो नो, जस्ट नाउ हैव डिड तमिलनाडु फिल्टर कॉफी। वी आर नॉट वर्किंग फॉर अ कंट्री पीपल बट ऑल्सो फॉर World Global Community. Oh, thank you so much, sir. We have done due diligence on your company. It's fantastic to know that you have converted several beggars into working labor class. It is a fantastic program. It's all your support, sir. I am a very small person. So many things to do. We are very happy to announce that our foundation decided to donate $1 million to Tamil Nadu Lighthouse Company for the beggar education program. $1 million? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आई विल ट्राई टू यूटिलाइज दिस फंड प्रॉपर वे। बाय द वे, प्लीज टेक रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज फॉरेन फंड अप्रूवल। वो कट कर रहा है क्या? फिर से कर। सो दैट वी कैन ट्रांसफर द अमाउंट टू योर कंपनी। श्योर, काट दिया। भाई, उसने फिर से काट दिया। उसका कोई दूसरा नंबर है क्या? नहीं भाई, एक ही नंबर है उसके पास। मिस्टर रामदुराई, along with your company name, please do promote our brand. Oh, surely, sir. Definitely, I will do it, sir. I will do it. Hey, tu laga rahe? It's our request to you. Sure. Definitely. Sir, aapke baare mein sochkar bahut achha lag raha hai. Aap jaise achhe insaan ke saath hamesha achha hi hoga. Aapka jo daan karne ka haath hai na, wo puri duniya par raaj karega. It's okay. We'll support you. Sure, sir. Sure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Hello? रामदुराई, मैं तम्बीदुराई बात कर रहा हूँ। मैं बस आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। सतीश, गाड़ी निकलवाओ, कहीं जाना है। ठीक है सर। जी भैया। मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो फोन करना। जी ठीक है। ये ले। भैया, इसकी क्या जरूरत है? वो अब तक आया नहीं क्या? वो लोग रास्ते में होंगे भाई। आगे भाई, देखिए। सतीश। हाँ सर। ए, अपने आपको बड़ा आदमी समझते हैं क्या? फोन करने पे उठा क्यों नहीं रहा था? ऐसा कुछ नहीं है सर, थोड़ा काम था इसीलिए फोन नहीं उठा पाया। ए, गवर्नमेंट के सारे कॉन्ट्रैक्ट तू हथिया लेगा तो हम लोग तेरा चेहरा देखेंगे क्या? हैं? भिखारियों से काम करवा रहा है, तुझे ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहिए? ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ और चला जा। सर सर सर, तम्बीदुराई में बहुत सारे लोग परेशानी उठा रहे हैं सर। वो अच्छा इंसान है, 8% प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें से 4% के लिए। नहीं नहीं सर, मैं सारा कॉन्ट्रैक्ट उनको दे देता हूँ। भाई, वहाँ तो एकदम शांत बैठा था ये, और यहाँ कितना ज्यादा मुंह खोल रहा है। ए, वो 50% देने को तैयार है ना? हाँ। फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? ठीक है भाई, कल को जब कोई बड़ा टेंडर आएगा तो मैं खुद तुम्हें देने के लिए बोलूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। अगर आप मौका देंगे तो मैं आपको अच्छा काम करके दूंगा। अगले 3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट तम्बीदुराई को दे देता हूँ, ठीक है ना सर? मैं चलता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मुरली सर, हमारे गांव में ऐसा भी कोई आदमी है, कौन है ये रामदुराई? सर, ये रामदुराई तमिलनाडु में एक कंपनी चलाते हैं, बेकर इरेडिकेशन प्रोग्राम। आप खुद ही देखिए सर, ये भिखारियों को नौकरी देते हैं सर। मुझे इससे मिलना है, शाम को से बुलाओ। ठीक है, मैं बुला लूंगा सर। आजा 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 आजा, लेफ्ट मार लेफ्ट। और मनी, कैसे हो? अच्छा मालिक, मालिक ये लीजिए आज का मनी। रुक जा, तुम ये ले जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दो। मालिक, मैं कैसे करूंगा? मैं बैंक मैनेजर को फोन करके बता देता हूँ, तुम जाकर डिपॉजिट कर दो। मालिक, ये इतना सारा पैसा आप मुझ पर कैसे विश्वास कर रहे हैं? मनी,
तुम्हारे इस विश्वास ने ही तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ाया है। मैं रिश्ते को साइड में रखता हूँ, तुम अपनी मेहनत को बढ़ाते रहो। मालिक आज के बाद मेरा पेट और दिल दोनों भर गया, आज के बाद मुझे किसी बात का दुख नहीं होगा मालिक। कोई बात नहीं सतीश, चलो चलते हैं। हाँ चलिए सर। इधर इधर लगा। ओके सर, ओके। अरे ऐसी की तैसी है, बुड्ढा तो हीरो बन गया, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? शॉर्ट रेडी है, तुम यहाँ मेकअप कर रहे हो, इतना मेकअप क्यों कर रहे हो? इन्होंने ही तो बोला था। तुझे सबसे क्या लेना देना है, अपना काम कर। तुम एक ही दिन में इतने बड़े स्टार बन गए। सो जा मेरे राजकुमार, सपने में आएगी राजकुमारी, सो जा मेरे। अब रहने दो। हेलो बनाओगे क्या? हेलो मिस्टर स्वामीनाथ जी। यस यू फाइन फाइन। आई एम ओल्ड मॉडल स्वामीनाथन। दिस इज जॉन डिकोस्टा, एडल्ट कंटेंट किंग नॉन वर्ल्ड वाइड। व्हाट डिड यू से? I want to fuck you, my second content. No, I'm in second content shooting. You can record the third content. You can talk to my PA. ये ले, बात कर। Hey, मैं PA हूँ क्या? मैं PA हूँ तुम्हारा, थोड़ा तो दूंगा मैं। Million dollar deal. You talk to him. Excuse me. Hello, secretary. Yes, I want to book to Mr. Swaminath for my third content. $2 million थोड़ा बुढ़ा है सर। थोड़ा लगा दे तो करो। सर one minute सर, one minute, I call you सर। हाथ हटा। हाँ सतीश। हाँ बुके। अरे अरे मैं भूल गया, जल्दी लाता हूँ। सर नमस्कार। इन सब की क्या जरूरत थी? सर मैंने सोचा भी नहीं था, आज मेरी जिंदगी में बहुत खास दिन है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बैठिए। थैंक यू सर। हमारे पास आने वाला हर इंसान कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आता है, लेकिन एक आप हैं, भिखारियों को काम देकर अच्छा काम कर रहे हैं। आप जैसे सोशल सर्विस करने वाले लोगों की हमारे देश को जरूरत है। ओके चलो मुद्दे पे आता हूं। सिटी में गवर्नमेंट के अंडर में 10 एकड़ की जमीन है, वो मैं आपको देता हूं। वहां पर आप ऐसा कुछ कीजिए जो उन लोगों के काम आए। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह है जो आप पूरा कर दीजिए, मैं आपका फेवर करके देता हूं। आप जैसे ईमानदारी से काम करने वाले लोग इस देश को पक्का बचाएंगे। आप जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी ये कोशिश जरूर कामयाब होगी, फ्यूचर आपको ढूंढते हुए आएगा। धन्यवाद सर। तो मैं चलता हूं। सतीश, मेहनत का फल मीठा होता है, ये बिल्कुल सही है। कुछ अच्छा करने से इस दिल को बहुत खुशी मिलती है। ये सच है सर। अच्छा सुनो, पार्किंग में आज पूरे 60,000 वसूल किए हैं और मालिक ने कहा कि इसे बैंक में जमा करा दो। क्या बात है, तुम बहुत खुश लग रहे हो। तो खुशी नहीं होगी क्या? लोग पहले विश्वास करके 10 रुपए नहीं देते थे, लेकिन सर ने मुझ पर विश्वास करके 60,000 दे दिए ताकि मैं बैंक में जमा करा सकूं। सर तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं ना। मुझे तो रात में नींद भी नहीं आएगी, सुबह उठकर सबसे पहला काम ये करूंगा कि इन्हें जाकर बैंक में जमा कराऊंगा, तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा। जाओ बेफिक्र होकर भर कर आओ। कॉफी चाहिए क्या? पूछ क्यों रही हो, बस पिला दो ना। ये लो। चाहिए बैंक बैंक में पैसे जमा, पैसा डालने आए हो? हाँ। नमस्ते साहब, वो मैनेजर साहब का रूम का है। यहाँ से सीधा जाइए।
साहब, आइए आइए। नमस्ते साहब, नमस्ते साहब। हाँ बैठ जाइए साहब। ये पैसा रामदुराई साहब ने भरने के लिए भेजा है। अच्छा ये बात है, कितना है ये? 60,000 रुपए है। ठीक है ठीक है, मैं डिपॉजिट के लिए बोल देता हूँ। कुछ पैसे दे दो ना भाई। यहाँ से दो दिन से कुछ खाया नहीं है भाई। ए, एक बार बोलो ना, भाग यहाँ से। साहब कुछ पैसे दे दो ना साहब। ए, बच्चे आएगा तेरे को, भाग यहाँ से। ये लीजिए स्लिप। आपने पैसे भर दिए? हाँ भर दिया। साहब रामदुराई साहब को फोन करके बता दीजिए ना। ऐसी बात है क्या? ठीक है। हाँ सर, रामदुराई सर। हाँ बोलिए। हाँ आपने जिसको भेजा था वो 60,000 रुपए लेके आया था। हाँ। मैंने डिपॉजिट कर दिया है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके थैंक यू। हाँ मैंने उनको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी रुकावट आएंगी, उसे पार करने की कोशिश कीजिए। उस एमएलए का टॉर्चर मैं सह नहीं पा रहा हूँ, उसे मैं कैसे संभालूं समझ नहीं आ रहा है मुझे। दिल की बीमारी के लिए दवा है लेकिन उसका इलाज नहीं है, उसके लिए कुछ और है। हम देख लेते हैं सर, आप अपना काम कर लीजिए। आप उसको कैसे संभालेंगे? देख लेंगे सर, अगर दिल में हिम्मत ना हो तो हम लोगों को जिंदा दफना देंगे। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो समय आने पर पता चल जाएगा। मैं कई जगह पर इंटरव्यू देता हूँ और सेलेक्ट भी हो जाता हूँ, लेकिन जिस सैलरी में मैं काम करना चाहता हूँ वो लोग वो नहीं दे पाते। इसलिए अपने दिमाग का पूरी तरह से इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे कमाने वाला हूँ। हमारा प्लान सक्सेस हो इसके लिए एक अच्छे आदमी की ज़रूरत है, जो पक्का बिजनेस मैन भी ना हो, बिजनेस करके जल्दी अमीर बनने का जो शौक रखता हो। अगर ऐसा कोई आदमी हो तो मुझे बताओ, जो मन में ठान ले उसे पूरा करे, ऐसे आदमी की ज़रूरत है। सतीश, मेरे जर्नलिस्ट सोशल सर्विस एक्सपीरियंस से मैं एक अच्छे आदमी से मिली हूँ, तुम्हारे प्लान के लिए एकदम सही रहेंगे वो। तुम जैसा सोच रहे हो उनको भी कुछ कर दिखाने का जुनून है, वो भी एक सोशल वर्कर ही है। हाँ उनका बिजनेस कार्ड भी है मेरे पास, जाकर उनसे मिल लो, तुम्हारा प्लान वर्कआउट हो जाएगा। थैंक्स, कॉल करके मैं उनसे मिल लेता हूँ। थैंक्स क्यों बोल रहे हो?
चलो चलो। रामादुराई, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। निकिता ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया। सर, माय नेम इज सतीश, एमबीए। फादर्स नेम इज मनीवनन, मदर नेम इज। अपने तीन खास दोस्तों का यहां पर नाम लिखिए। हेलो, बहुत क्लोज।
हेलो, मैं रामादुराई बात कर रहा हूँ। सतीश ने आपसे कुछ पैसे लिए थे क्या? नहीं सर, वो तो अच्छा आदमी है। आपने उनसे कुछ पैसे लिए थे क्या? नहीं सर, मैंने कभी पैसे नहीं लिए। उसने आपसे पैसे लेकर चीट तो नहीं किया? नहीं सर, वो इस तरह से पैसे वैसे नहीं मांगता है। ओ। उसे पैसों की क्या जरूरत है? उसने आज तक किसी से उधार नहीं लिया है। हेलो हेलो, काट क्यों दिया? आप सतीश के फैमिली को जानते हैं? हाँ सर, अच्छे से जानता हूँ। उसके माँ बाप कैसे हैं? उसके पिता क्या काम करते हैं? उसका बाप रिटायर आर्मी ऑफिसर है सर। उसकी माँ हाउसवाइफ है सर। विश्वास कर सकते हैं? हाँ सर, विश्वास कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, हेलो। सतीश का कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है क्या? उस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? सर, वो एक पढ़ा लिखा लड़का है। मेरे हिसाब से कोई उसका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर। आप उसे कोई भी काम दीजिए, वो अपना सबसे बेस्ट करके देता है। 100% विश्वास कर सकते हैं उस पर। एक बात बताइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपका इंटरव्यू ट्रीटमेंट बहुत ही डिफरेंट है। सतीश, ये IT कंपनी नहीं है जो रिज्यूम देकर नौकरी दे दे। सर, आपके जरिए मैं अपने प्लान का इस्तेमाल करने वाला हूँ। उसमें आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो, बहुत सारा पैसा गिनने वाले हो। इस दुनिया में लोग ज्यादातर गोल्ड, डायमंड, रियल एस्टेट और फिल्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हम इंसान का सेंटिमेंट और फीलिंग का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उसमें आपको बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, लेकिन ये सब करने के लिए मेरी एक फीस है। अगर ओके है तो बोलो। डील के लिए रेडी हो क्या? सतीश, मुझे पैसे से ज्यादा पॉपुलैरिटी चाहिए। एक आदमी को खत्म करने के लिए पॉपुलैरिटी का होना बहुत जरूरी है। मेरा एक काम है जो बहुत दिनों से मेरे दिल में चुभ रहा है, समय आने पर तुम्हें वो बताऊंगा। हेलो सर, मैंने जो कैंडिडेट भेजा है वो ओके है ना? प्रॉमिस किया है, अब नौकरी कैसे करता है वो देखकर फैसला करेंगे। ऐसा है, ओके सर। अच्छा, आप निकिता को कैसे जानते हो? इसके बारे में तुम्हें जरूर जानना चाहिए सतीश। एक दिन ये निकिता। मेरा नाम निकिता है। आई एम एन इंटर्नशिप जर्नलिस्ट स्टूडेंट। आपके साथ मैं भी सोशल सर्विस कर सकती हूँ क्या सर? तुम बहुत होशियार हो बेटी, माँ बाप का आशीर्वाद तुम पर हमेशा रहेगा। सर, मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे माँ बाप नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ सर। मैं जब छोटी थी तब उनकी मौत हो गई थी सर। एक्सीडेंट में मौत हुई या फिर कोई और समस्या थी? नहीं, सर्कस के टाइम पे जो फायर एक्सीडेंट हुआ था उसी में उनकी मौत हुई। जब वो सर्कस फायर एक्सीडेंट हुआ था तब आपकी उम्र क्या होगी? 4 साल की थी मैं सर। आप मेरी उम्र के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो फायर एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है आपको पता है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं पता। बिना लाइसेंस के, फायर सेफ्टी के बिना, जरूरत पड़ने पर फायर इंजन जल्दी नहीं पहुंच पाएगा उस जगह। सर्कस चलाने का परमिशन देने वाला वो प्रभाकर है बेटी। प्रभाकर? Sir, there was a major circle fire accident. I have safeguarded you. Please inform concerned authorities to destroy documents, 40 files. This is very, very important. Take care. Thank you.
वही है, इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार वही है। सर, उस फायर एक्सीडेंट के पीछे किसी इंसान का हाथ होगा, मैंने ये सोचा भी नहीं था। उस फायर एक्सीडेंट में मेरे बीबी और बच्चे मर गए, न जाने कितने बच्चे जल के मर गए। छोटे छोटे फूल खिलने से पहले उस आग में स्वाहा हो गए, उनके सारे सपने जल के राख हो गए। इसके पीछे कौन है? पैसों के लिए लोगों की जान लेने वाले को और गलत काम करने वाले को कैसे कैसे तिक्रम लगाकर हम सब लोगों ने उसे यहां का एमएलए बना दिया। उसकी वजह हम हैं उसकी वजह। पैसों की लालच ने हम जैसे कई लोगों को अनाथ कर दिया। बेटी, सही समय का मैं इंतजार कर रहा हूं, उसको खत्म करना है अब। सोशल सर्विस के अलावा एक और काम है बेटी। इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी थी। ठीक है, टाइम हो गया। हाँ चलो चलते हैं। चलिए सर, चलो। नहीं चलो, दुराई सर को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। दो तीन दिन से मैंने भी उनको नहीं देखा। कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिख जाएंगे तो बताता हूं भाई। ठीक है, आता हूं। हाँ नहीं नहीं नहीं, जरूर आऊंगा। ओके ओके। क्या आजम साहब, कैसे हैं? मैं बाद में कॉल करता हूं। शहर के अंदर भिखारियों को जमीन दे रहे ऐसा सुना है, सच है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप आज तो साइन करके चले जाएंगे, कल जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। देखिए, उन्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोलता हूं वो कीजिए। उस जगह पे बड़ा सा गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स बनाकर रेट पे लगा देंगे ना, नालायक। उसमें आपको बहुत बड़ा अमाउंट भी मिलेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने से चार पैसे मुझे भी मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं? आपसे ये नहीं होगा, मैं जो कह रहा हूं वही होगा। लैंड उन लोगों को दे दिया है, बात खत्म। तेरा टाइम खत्म हो चुका है। आज के बाद जो तू बोलेगा वो सुनकर मैं सर हिलाने वाला नहीं। पार्टी की शुरुआत तुम्हारे पिताजी ने की थी, इसीलिए आज तक मैं शांत बैठा था। ए, मैं भी अपने बाप का लिहाज करके ही आज तक खामोश था। आपका काउंटडाउन आज से शुरू हो गया, देखो मैं क्या करता हूं। जा। नमस्ते साहब। क्या रे, तो खुद को एमजीआर शिवाजी समझता है क्या? तंबू दुरे ने ठीक बोला था, बहुत बड़ा एक्टर है तू। अभी मैं सीएम साहब को बजा के आ रहा हूँ, तुम लोग एक हो जाओगे तो मैं डर जाऊंगा क्या? मजा चखाऊंगा। नमस्ते सर। हाँ हाँ, राम दुरई सर, ये एमएलए मेरे सर का दर्द बन चुका है। आपके पेपर साइन होकर के आ जाएंगे, आप आकर ले जाइएगा। सर, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। मैंने आपको जुबान दी थी कि मैं आपको एक काम करके देता हूँ, मैंने जो बोला है वो बहुत जल्दी पूरा करके देता हूँ। वो अच्छी खबर आपको जल्दी मिलेगी सर। मैं चलता हूँ सर। हाँ ओके। हाँ ओके। हाँ ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ साहब। हाँ ठीक है। रामदुराई साहब कहाँ हैं? वो कुछ काम से बाहर गए हैं मनी, उनके आने के बाद मैं बताता हूँ, ठीक है? हाँ।
क्या हुआ पापा, आप इस तरह से दुखी क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम जाके खाना खाओ। पापा, अगले हफ्ते मेरा प्लस टू का रिजल्ट है। पापा, अरे चलिए ना, चलकर खाना खाते हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या बात है साहब, रामदुराई सर दो तीन दिन से पार्किंग में भी नहीं आए। आप कुछ तो छुपा रहे हैं सर, बताइए ना। रामदुराई सर का मन कुछ ठीक नहीं है मनी। हम सबको खुशियां देने वाले खुद दुखी हैं, ये ठीक नहीं है। मुझे उनसे मिलना है साहब। मैं कॉल करता हूँ मनी, बाद में आकर तुम मिल लेना। रामदुराई सर अगले हफ्ते आप सबको इंक्रीमेंट देने वाले हैं। अगले हफ्ते आप सबके लिए अच्छा होने वाला है। जब रामदुराई सर खुश रहेंगे तो ही तो हम सब खुश रहेंगे ना साहब। अगर वो परेशान होंगे तो हमें इंक्रीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, कलेक्शन कितना हुआ है? 23,000 रुपए हुआ है साहब। ओके, कल जाकर बैंक में डिपॉजिट कर देना, फिर मैं चलता हूँ। रामदुराई साहब से मिलना है साहब। ठीक है मनी, मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगा। रामदुराई सर के बारे में कुछ खबर मिली क्या? किसी से आपने पूछताछ की क्या? मुझे बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें उनसे जाकर मिलना चाहिए। नहीं मनी भाई, आप जाओ। उनसे मिलने का मन कर रहा है, चलो ना। नहीं भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं जी? रामदुराई सर बहुत तकलीफ में हैं, तो आप जाओ, उनसे मिलकर आओ। मिलने जाओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। मुझ जैसे पार्क में भीख मांगने वाले को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, और वो आज खुद तकलीफ में हैं, तो ये सुनकर सच में मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनको कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए। दिल में दर्द होता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, वैसे ही उनकी तकलीफ के बारे में सुनकर मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उनको कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत हो, ज्यादा सोचो मत, चाय पियो। रामदुराई सर कैसे हैं? अच्छे हैं, तुम जाकर अपना काम करो। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो?
मनी, सर को देखा क्या? हमेशा मुस्कुराकर बात करते थे। हमारे लिए वो दिन रात एक करके काम करते हैं। हम सब लोग उनकी वजह से खुश हैं, लेकिन वो खुद मानसिक तकलीफ से बहुत ही बुरी तरह गुजर रहे हैं आज के जमाने में, जहां लोग दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन ये हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाकर बिना थकान के चलने वाले इंसान है। इतनी सारी शाखाएं उस पेड़ की वजह से हैं, अगर उसे टूटने के लिए छोड़ देंगे तो हम जी सकते हैं क्या? अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ाने वाले वीरा पांडे को फांसी पर लटकाया गया था, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ जहाज चलाने वाले तमिलन जिन्होंने जेल में चक्की पीसकर हम लोगों को आजादी दिलाई थी। आखिर वो किस लिए थी? क्यों? इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों की मार खाकर हमारे देश के झंडे को बचाया था। आखिर क्यों? हमारी जान भी चली जाए तब भी हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे देश की जनता को स्वतंत्रता चाहिए। आखिर क्यों? हमारी जिंदगी संवारने वाले इंसान की जान खतरे में, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने हाथों से हमें खाना खिलाने वाला आज वहां पर हाथ रखकर खड़ा है, तो उनको बचाना हमारा फर्ज है ना मनी? जरा सोचो मनी, हमें आखिर क्या करना चाहिए? तिश, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मालिक, जो सबकी रक्षा करता है, अगर वो मिट गया तो इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। मालिक, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। मालिक, मनी, सतीश, हाँ, द रियल गेम स्टार्ट नाउ। मनी ये काम कर देगा क्या? हमने फर्ज की मशाल उनके सीने में जलाई है सर, उसकी रोशनी कितनी दूर तक फैलेगी आप देखना। इसको हम अंजाम तक कैसे पहुंचाने वाले हैं? उसके लिए मेरे पास एक प्लान है सर। वर्कआउट होगा क्या? ये काम हम पैसे देकर नहीं करवाने वाले हैं। तो फिर? भावना को हथियार बनाकर उसको खत्म करेंगे। निवेश समझदार लोगों का फॉर्मूला है। सोना, जमीन और घर, ऐसे बहुत सारी चीजों पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। फीलिंग्स लोगों के लिए बहुत बड़ी जायदाद है। उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले किसी को आज तक आपने देखा है क्या? कुछ पल बाद हमारी जिंदगी है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। सोना, जमीन, घर, इन सब में इन्वेस्टमेंट करना आम बात है, लेकिन भावना का ऐसा नहीं है। ये कुदरत का दिया हुआ बहुत अनमोल तोहफा है। यस, आप देखना सर, ये इंटरव्यू कितना वायरल होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। सर, रामदुराई साहब अभी कैसे हैं सर? वो अभी भी वैसे ही है, उस एमएलए की बातों को याद करके परेशान हो रहे हैं। सर, अगर आप इजाजत दो तो एक गोली में उसकी कहानी खत्म कर दूं। ए, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसके आसपास बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है। सर, मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक काम कर देता हूं। संभल कर करना मनी। सर, बहुत ही शक्तिशाली बीज हम लोगों ने बोया है सर। वो धरती को चीर कर बाहर निकलने वाला है। वेरी गुड भाई, कल एक जोक सुना, हंस-हंस के पेट दर्द करने लगा। तो बार बार छुट्टी क्यों मारता है? भाई शादी थी, इसीलिए जल्दबाजी में छुट्टी कर लिया। शादी करके आया था ना? नहीं नहीं भाई, मेरी शादी नहीं थी, मेरे दोस्त की शादी थी, जाना पड़ा ना भाई। मैं बेवजह छुट्टी कहाँ करता हूँ भाई? कमाने के बारे में सोच रहे? साहब नमस्ते साहब। इसे उठा कर यहाँ से बाहर फेंक दो। साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो। क्या हो गया है आपको? हाँ, कैसे डर गए आप? क्या हो गया? कहीं आपने बुरा सपना तो नहीं देख लिया? कुछ नहीं। बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
बताओ ना। पीने के लिए पानी लाओ बस तुम। ठीक है, लेकर आती हूँ, डरो मत। तेंसा को देखा है क्या आपने? मुझे नहीं पता, आगे पूछ लो। क्या बात है सर, आप आज मंदिर आए हैं? साल में सिर्फ इसी एक दिन मैं मंदिर में आता हूँ। सर, आज आपका जन्मदिन है इसलिए ना? आज सिर्फ मेरा जन्मदिन ही नहीं है, आज के दिन ही सर्कस में मेरी बीवी बच्चों का देहांत हुआ था। आज ही के दिन उन लोगों के जाने के बाद मेरी जिंदगी में अपना कहने वाला कोई नहीं है। सॉरी सर। इट्स ओके। हेलो। कांग्रेचुलेशन सर। बोलिए सर। रामदुराई सर, रामदुराई सर, आपका जो अकाउंट था उसमें मैंने 68 करोड़ रुपए डाल दिए। ओह। अच्छा ठीक है सर, मुझे कुछ काम है तो मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सतीश, तुम्हारी फीस 1 करोड़ देने का वक्त आ गया है, तुम्हारी वजह से। उस अमेरिकन एनजीओ से अमाउंट क्रेडिट हुआ है। सतीश, जैसा बोला था वैसा प्लान करके करोड़पति बन गए हो। सर, कुछ बख्शीश भी दोगे क्या? सतीश, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। इसके अलावा भी तुम्हारा कोई और प्लान है क्या? सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, अमाउंट आया है, आपका जन्मदिन भी है, इन दोनों खुशी को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं।
करनी पड़े। प्रभाकर देखो तुम्हारी जान को खतरा है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है, तुम थोड़ा संभल कर रहना। इंटेलिजेंस सर, ऐसे हजारों धमकियों को मैंने सुना है, अगर ऐसे डरेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मैं संभाल लूंगा, चलता हूँ। इंटेलिजेंस सर, थैंक यू। ए, हाँ। अपने एमएलए साहब का ध्यान रखना, कोई अगर उनसे मिलने आए तो ठीक से चेक करके उनके पास भेजना। ओके ओके, हम लोग देख रहे हैं ना। हे, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है भाई। अरे सुनो, गेट बंद करो, बंद करो। बाप बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब आगे मैं तुम्हें बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगा, है ना? ठीक है पापा। हाँ, रखता हूँ बेटा। हर महीने 10,000 तनख्वाह देता हूं, रहने के लिए घर दूंगा, और तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी होगी, इंश्योरेंस करके देता हूं। बोलो मनी। सर, मेरा बेटा प्लस टू में फर्स्ट क्लास पास हो गया है सर। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है सर। रामदुराई साहब से बात करनी, मुझे करवाएंगे क्या? मेरी तरफ से भी बधाई दे दो। हाँ, वो इधर ही है, रुक जाओ। सर मनी लाइन पर। हमारा मनी है क्या? हाँ सर। बोलो मनी। साहब, मेरा बेटा प्लस टू में पास हो गया है, वो फर्स्ट क्लास पास हुआ है साहब। ये तो बहुत अच्छी खबर है। खुशहाल जिंदगी आपने दी है मालिक। अगर आपका सहारा नहीं होता तो मैं अभी भी पार्क में रोड पर भीख मांग रहा होता साहब। हमारी जिंदगी की खुशी की वजह तो आप ही हो साहब। ऐसा कुछ नहीं है मनी, तुम्हारे बेटे ने मेहनत करके पढ़ाई की है और अच्छे से परीक्षा दी और पास हो गया। कड़ी मेहनत करके उसने तुम्हें तोहफा दिया है। कोई भी इंसान माँ के पेट से भिखारी पैदा नहीं होता, हालात उसे भिखारी बनाता है। आज के जमाने में लोग दूसरों की टांग खींचकर
उसको नीचे गिराने के फिराक में रहते हैं, किसी को ऊपर उठाने की सोचते नहीं है। लेकिन मैंने सोचा बस मेरा इतना ही योगदान है मनी, अगर मेरे साथ रहने वाले बेघर हो जाए तो मैं भी भिखारी हूँ। और यही वो एमएलए प्रभाकर मेरे साथ करना चाहता है। मैं तुम्हारे बेटे की पढ़ाई अच्छी तरह से करवाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। हेलो मनी, सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ सही कर दिया है सर। फ्लैश न्यूज आ जाएगी आपके पास। ठीक है मनी, मैं रखता हूँ। फ्लैश न्यूज आ जाएगी आपके पास। साहब वो साहब से मिलना। सर एमएलए साहब को मिलना चाहता है ये। ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, उसे अंदर आने दो, सिक्योरिटी से चेक करके भेज दो। मिठाई का डिब्बा है साहब। ये देखिए सर, दिखाओ तो। हाँ जाओ। यही रुको, मैं आता हूं। ठीक है पापा। नमस्ते सर। हाँ। आप कैसे हैं मालिक? मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा प्लस टू में फर्स्ट क्लास पास हो गया, लॉयल कॉलेज में पढ़ने की इच्छा है इसकी। इसके लिए एक सीट दिलवा देंगे तो आपका बड़ा उपकार होगा मालिक। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मालिक। तुम लोग भी क्या क्या सपने देखते हो, अपने बच्चे को IIT में पढ़ाना है, IAS ऑफिसर बनाना है, एरोप्लेन उड़ाना है। हाँ? क्या भाई, अपनी औकात से ऊंची ख्वाहिश क्यों रखते हो तुम लोग? जो करना है करो। तुम्हारे बेटे को लोयला में एक सीट दिलवाता हूँ, फिर फीस भरने के लिए पैसे नहीं है यहाँ पे आके खड़े मत हो जाना। मालिक मैं आपको दोबारा परेशान नहीं करूंगा मालिक, मैं अपनी जान गिरवी रख के भी अपने बेटे को पढ़ाऊंगा मालिक। ठीक है जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ निकलो। फोन करके बात कर लो भाई। फोन लगाओ उसे, क्या बात है पूछ। ठीक है तुम जाओ और माँ का ख्याल रखना। हाँ ठीक है पापा, आता हूँ। ठीक है। मैं भूल गया था मालिक, स्वीट लाया था। स्वीट भी तुम लोग ब्रांडेड ही खाओगे क्या? मालिक ये तो मैं आपके लिए लाया था मालिक। मेरे लिए है क्या? ठीक है दे दो इन लोगों को। समझिए मालिक, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, अगर आप एक उठाकर मेरे सामने खाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा प्रसाद कबूल हो गया है। भाई एक स्वीट उठाकर खा लो, नहीं तो आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलेगा ये। खा लो भाई, अगर आप खा लोगे तो ये बाहर जाके आपके बारे में बड़ाई करेगा बहुत। हाँ खा लो भाई खा लो। मालिक मैं चलता हूँ। ठीक है चलो। ठीक है भाई। ओ भाई, ओ भाई, बोलो। मुझे जहर चाहिए। यहाँ कोई जहर वहर नहीं मिलता है। बाहर से पता चला इसलिए तो मैं यहाँ आया। ऐसा कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। साहब 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 दे दो ना साहब, जितना पैसा मांगोगे दूंगा। पैसा? रुक जाता हूँ।
हाथों से मत छूना वरना तुरंत ऊपर पहुंच जाएगा। ग्लव्स पहनकर इस्तेमाल करना। हाँ ठीक है साहब। ये लीजिए पैसा। जाओ 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 यहाँ से जाओ। जनता पार्टी की शुरुआत करने वाले केदार स्वामी के बेटे और पार्लियामेंट मेंबर ने आज आत्महत्या कर ली है। राजनीति में दबदबा रखने वाले प्रभाकरन अपने मित्र के यहाँ फंक्शन में गए थे और वहाँ पर उन्होंने आत्महत्या कर ली, ऐसा पुलिस अधिकारियों का कहना है। आवड़ी में एक जवान लड़की ने फांसी लगा ली। आत्महत्या करने वाले प्रभाकरन के बीवी और दो बच्चे हैं। प्रभाकरन की आत्महत्या राजनीति में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन चुकी है। वो लाइए, वही फाइल लाइए, वही फाइल मांग रहा हूँ। हेलो रामदुराई, आप क्या कर रहे हैं? मैंने जो सुना वो सच है? हाँ सर, वो सच ही है। हेलो 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 सर, आप इतने काबिल इंसान हैं फिर भी कैसे फंस गए? आप कौन बोल रहे हैं? आपको क्या चाहिए? आप अक्सर जिस तालाब के पास जाते हैं ना, वहीं सुबह आ जाइएगा। आप उसके बारे में क्या जानते हैं? आप मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं सर, सुबह आपसे तालाब पर मिलता हूँ। हेलो हेलो कौन हो सकता है ये? सर सर एक मिनट सर, मनी ने आपको देने के लिए बोला है, मैं जल्दीबाजी में गांव चला गया था इसलिए भूल गया था सर। सतीश हाँ? फोन करने वाला कौन हो सकता है? मुझे पता नहीं सर। मालिक नमस्ते, आप हमेशा खुश रहना, तभी तो हम जैसे लोग खुश रह पाएंगे। मालिक आपने बहुत कष्ट उठा के हमारा खूब ख्याल रखा, मैं अगर उस एमएलए को चाकू से मारूंगा तो शक के दायरे में आपका नाम भी आएगा। मालिक 100 लोगों की खुशी के लिए अगर एक को कुर्बान होना पड़े तो कोई गलत बात नहीं है। मालिक मेरे दिल को अब सुकून मिल गया है मालिक कि मैं आपके कुछ काम आया। आप खुश रहना मालिक। क्या हुआ सतीश? सर अपने प्लान के हिसाब से मणि प्रभाकरन को मार डालेगा, उसके बाद हम सीएम के पावर का इस्तेमाल करके मणि को बाहर ले आएंगे। मेरे स्वार्थ के लिए कोई और बलि का बकरा नहीं बनना चाहिए।
सर, सर मनी सतीश एमएलए को खत्म करने के चक्कर में मनी भी चला गया। एक पर आधारित होकर दूसरा जी सकता है सर। मैंने उसको प्यार और लालच देकर उसे बड़ा बनाया और खुद मैंने उसे मार भी दिया। पेड़ से टहनी अलग हो गई। जो मनी हमारे साथ रहता था वो हमें छोड़कर चला गया। सर छोड़िए सर, चिंता मत कीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। सर आपको मैंने कहीं देखा है। जरूर देखे होंगे सर, सीएम का पीए हूं मैं। इंसान की भावना कैसे कैसे काम करवाती है सर। सर प्रभाकरन को आपने खत्म करवा दिया ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है सर। सीएम ने जो आपके सामने भावना दिखाई उस भावना के जाल में आप फंस गए सर। सीएम को उस एमएलए को खत्म करने के लिए एक आदमी चाहिए था और उसके जाल में आप अनजाने में फंस गए सर। इसमें गुनहगार कौन है? सीएम है ना? ये पक्का मास्टर प्लान है सर। आपको एक काम करना है सर, हमारे सीएम को उठा लेते हैं। मुझ पर विश्वास करने वाले इंसान को खूनी बनने पर मजबूर कर दिया। मैं इस अपराध बोध से कैसे बाहर निकलूंगा? जिसने मुझ पर विश्वास किया उसकी मौत की वजह मैं हूं। ये गुनाह आसानी से मेरा पीछा छोड़ेगा क्या? जिसने मुझ पर विश्वास किया था वो मर गया, वो मेरी वजह से ये गुनाह जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाला है क्या?